बाजार गए थे, बाजार से सब सब घर की चप्पल लेके आए थे, तो वीडियो बनाया हमने हाय फ्रेंडक बोल के। हम उठे, हम चौंक गए, हमने मेरी यही आइडिया, मैंने स्क्रॉल करके देखा तो फिर लगो कि हाँ एक वीडियो हमारी वायरल हो गई है। मम्मी कहती है तुम्हारे पास लड़का कहाँ से आए? अब हमें खुद ना पता जी कहाँ से आए, अरे हमने नहीं बुलाए। हम वाले आस पास घर के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़के बच्चा वहां बिगड़ रहे हैं इनको देख के। 25 रुपए में आलू धान लगाते थे, काम करते रहते थे। शहर की आवाज बोले थे बा हमें नहीं अच्छी लगती, हमें यहाँ लगती हम क्या बनाएगा बोल रहे हैं। तो जो हमें ना अच्छी लगे तो तुम लोग को अच्छी लगे। लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लिए भैया को। हेलो फ्रेंडा, आप लोग सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे लेडी से जिनका ये टाइटल हेलो फ्रेंडा वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ देख सकते हैं कौन है, शिवानी जी, जिनका हेलो फ्रेंडा वायरल हो गया। तो पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक कीमती वक्त दिया, क्योंकि पहले हम इनके घर गए थे, घर पे ये नहीं मिलती। उसके बाद इनकी मम्मी जी ने हमें यहाँ का एड्रेस दिया कि आप वहाँ जाइए कॉलोनी में, तब हम यहाँ पे आते हैं। तो बड़ी मुसीबत से मिल ही लिया, क्योंकि ऊपर वाला होता है मिलाने वाला, आप कहीं भी भटक लीजिए लेकिन ऊपर वाला आपको मिला ही देता है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो शिवानी जी, आज हम आपसे मिलने आए, तो आज आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एक टाइम था आप एक गरीब घर से बिलोंग करती थी, आप 25 रुपये में 30 रुपये में जॉब करती थी, तो वहाँ से आप यूट्यूबर बनने का सफर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यूट्यूब? हाँ, मतलब यूट्यूब पे कैसे आए? यूट्यूब से एक सर अंशुल सर लाए हमें। एक सर लोग थे वो लाए। तो पहले तो हम आपको बता दें कि मैम का पहले एक टिकटॉक था, टिकटॉक में ये वीडियो बनाती थी, वहाँ पे शायद इनके 60 लाख सब्सक्राइबर थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि आप जानते हैं टिकटॉक हो जाता है बैन, तो आप मैम ये बताइए टिकटॉक के बाद आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया? हाँ, टिकटॉक बंद हो गया तब चालू किया। अगर मतलब ये है कि अगर टिकटॉक बैन ना होता तो शायद ये यूट्यूब पे ना आती? नहीं नहीं, यूट्यूब पे चैनल बना दिया था लेकिन काम नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मैम के इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैम आपका ये हेलो फ्रेंडा ये कैसे वायरल हो गया? मतलब आप, मतलब आपकी मम्मी जी बता रहे थे कि आप कहीं पे जलेबियां खा रही थी। नहीं, बाजार गए थे, बाजार से सब घर की चप्पल लेके आए थे, तो वीडियो बनाया हमने हाय फ्रेंडक बोल के। अच्छा हाँ। तो मतलब वीडियो बनाया, उसके बाद फिर मतलब कितने देर बाद ये वायरल हुआ कि मतलब आप जैसे मतलब होता कि नहीं लोग बना के सो गए, सुबह उठा तो अरे बाप रे ये क्या हुआ, ऐसा कुछ सीन था? रात मतलब शाम को बनाया था, 5-6 बजे के टाइम बाजार का टाइम था, तो हम वहाँ से लौट के आ रहे थे, तो हमने हाय फ्रेंडक करके वीडियो बनाया और डाल दिया इसे सुबह टिकटॉक पे वायरल। ओ भाई, तो मतलब लगा कैसे कि भाई आप तो मेरे रात रात भर में 1 मिलियन फॉलोवर। अब हम उठे, हम चौंक गए, हमने मेरी यही आइडिया, मैंने स्क्रॉल करके देखा है, तो फिर लगो कि हाँ एक वीडियो भाई वायरल हो गई है। तब तो भाई मजा आ गई होगी, अब तो मतलब फिर आदमी क्या होता है ना, जब एक वीडियो वायरल हो जाती है ना, फिर आदमी प्रॉपर काम करने लगता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है। और एक चीज और, जब इनका ये वीडियो वायरल हुआ, मम्मी जी हमसे बता रही थी कि जैसे देखते ना कि बस में लोग भर भर के जाते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं लोग, इनके पास बस में भर के या गाड़ी में भर के टेम्पो में भर के इनके पास आए थे। तो मम्मी हम मतलब उस टाइम की बात बता रहे हैं, तो मम्मी जी ने सोचा शायद हाँ हमारी बेटी कोई रिश्ता देखने आए हो। लड़के आए तुम्हारे पास, मम्मी कहती है तुम्हारे पास लड़का कहाँ से आए? अब हमें खुद ना पता जी कहाँ से आए, अरे हमने नहीं बुलाए। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब YouTube पे आप काम कर रही थी, जब आप रील्स बना रही थी, तो गांव में क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप गांव से बिलोंग करती हैं और गांव से हम भी हैं, तो जानते हैं गांव का माहौल क्या होता है। अगर हम लड़के होकर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमें ताने सुनने पड़ते हैं, तो फिर भी ये लेडीज हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था आसपास मोहल्ले वालों को, थोड़ा बताइए। गाँव वाले आसपास घर के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़के बच्चा वहाँ बिगड़ रहे हैं इनको देख के, ये वीडियो बनाती हैं, फोन चलाती हैं, ये ऐसे देख के तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, वो भी कहेंगे हम भी वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो बहुत सुनाए। तो आप समझ सकते हैं। और शिवानी जी 4 सिस्टर हैं और इनके कोई भाई नहीं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुसीबत इनको उठानी पड़ी है, कि शायद मम्मी जी का कहना है कि एक लड़का होता, लेकिन आज वही लड़की आज इनका नाम रोशन कर रही है। गांव वाले कहते हैं कि हाँ लड़की हो तो शिवानी जैसी, तो इसके पीछे भी स्टोरी है। मम्मी जी के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे, जब आप पैदा हुए थे, और सबसे बुरी बात ये थी मतलब जब ये 1.5 साल की थी, शायद आपके पापा एक्सपायर हो गए थे,
तब आप मतलब कैसे आपकी घर की स्थिति संभली कि गरीब घर से छप्पर वाला घर था, 25 रुपए में नौकरी करते थे खेतों में, उसके बाद आज यहाँ पे, थोड़ा आप हल्की सी जर्नी बताइए कैसे आप वहां से यहाँ तक आए। अब कोई काम भाई काम करते थे 25 रुपए में, आलू धान लगाते थे, काम करते रहते थे। अब तब छोटे थे तब हमको 25 रुपए मिलते थे, छोटे बच्चों को थोड़े रुपए मिलते हैं, बड़े लोगों को 150 रुपए मिलते थे। तो वही काम कर रहे थे, काम करते करते स्कूल की फीस से हमने फोन ले लिया। अच्छा। अब फोन ले तो लिया, धक धक तो हो रही कि मम्मी हम बताएंगे कैसे, मम्मी मारेंगी हमको, फोन काहे लिया तुमने, ये फीस काहे नहीं जमा की, इतने मम्मी ने मका बेच के तो फीस दी थी हमको, फिर भी हमने चुपचाप से दीदी का नाम लगा दिया कि हमें दीदी ने दिलवाया। अच्छा। है उससे हम वीडियो बनाने लगे। एक मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा कि तुम वीडियो बनाया करो शिवानी, म्यूजिकली था। अच्छा, उस टाइम। हाँ हाँ म्यूजिकली था। हाँ तो उसी पे हमने वीडियो बनाए थे एक दो, फिर टिकटॉक आ गया, टिकटॉक नाम हो गया उसका। हाँ, म्यूजिकली का, तो उस पे हम वीडियो बनाने लगे, उसपे कम से कम ने 1 साल वीडियो बनाए। अच्छा, तो मतलब तो कितने दिन के बाद आपकी वीडियो जो वायरल हुई थी हेलो फ्रेंडा वाली? 1 साल में। 1 साल बाद, 1 साल भी किस्मत चमक सकती है, समझ रहे? बस करना चाहिए। और कौन सा मोमेंट आपका हो जाए, इसलिए हमेशा अपनी रियल लाइफ दिखाइए, आप जैसा बोलते हैं वैसा करिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हैं इंडिया, जैसे झारखंड की अलग लैंग्वेज होती है, आपकी गांव की लैंग्वेज अलग है, ठीक है? आपने कभी नहीं सोचा कि मतलब आप जैसे हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल ऐसा बोलें, आपने मतलब गाँव की लैंग्वेज में वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट किया? गाँव की लैंग्वेज बोलो तो आती है, लेकिन यहाँ जब हम गांव शहर की आवाज बोलते हमें नहीं अच्छी लगती, हमें यहाँ लगती हम क्या बोल रहे हैं, तो जो हमें ना अच्छी लगे तो तुम लोग का अच्छी लगे। कि मतलब वो चीज तो सभी दे रहे हैं। हाँ। सभी ऐसे नॉर्मल से बात कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनका कुछ अलग ही है, क्या करो मतलब एक सुनने में लगता है कि वाह क्या गांव की आवाज बोलने में सब हिचकिचाते हैं कि यार हम ऐसे बोल दिए तो पता नहीं क्या बोलेंगे लोग, गवार समझेंगे लोग। हाँ, तो एक चीज और कि जब आपसे एक बार आपकी मम्मी शायद नाराज भी हो गई थी और नाराज होकर रेलवे स्टेशन चली गई थी, मम्मी वीडियो बनाए निकला मना कर रही थी कि ना बनाओ ना बनाओ, माने ना मार मूर कर स्टेशन निकल गई। शिवानी जी के चाकू मार दिया था मम्मी जी ने, मम्मी से सब कुछ पूछ आए सब पूछ लिया, शिवानी जी की चाकू मार दिया था और गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चली गई थी। तो शिवानी जी फिर गई थी और फिर उनको मना के लाई थी, लेकिन उसके बाद उनको एहसास हुआ कि हाँ शिवानी अच्छा काम कर रही है, अब उनको प्राउड फील होता है कि हाँ शिवानी किसी लड़के से कम नहीं, क्योंकि उनकी बीमारी में अच्छा खर्चा आता है। आज शिवानी जी ने अपने पैसे से एक अच्छा घर बना लिया, एक गाड़ी ले ली, तो मतलब कभी सोचा था सपने में कि वो दिन से आज आप यहाँ पे आ जाएंगे, आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये एक फ्लैट है यहाँ पे, मतलब गांव से आप फ्लैट में आ गई, इसके आगे आप कहाँ जाना चाहती हैं? इसके आगे अब खुद अपना एक घर बनाना चाहती हूं, मतलब वो बनाया है उसमें मेरी फैमिली रह रही है सब, अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मेरा सपना है पहली बार तो स्कूल बनाने का। ओ भाई अंशु भाई सही बताएं तो मेरा सपना एक स्कूल बनाने का है, ये शायद कभी भी पूरा हो जाए। ओ भाई, तो समझ सकते हैं शिवानी जी का एक स्कूल आ रहा है, क्योंकि अच्छा आप सरकारी स्कूल आप जो दिखाती है आप वहीं शायद स्टडी किए हैं। हाँ। आपने देखा होगा वीडियो में और 15 अगस्त को भी देखा होगा जहाँ ये फ्लैग लेकर दौड़ रही थी, तो यहाँ उन्होंने वहाँ से स्टडी किए। और ये चाहती हैं, अच्छा जो आप स्कूल खोलेंगे क्या गाँव में खुलेंगे या कहीं और? अपने गाँव में खोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे गाँव के बच्चे हैं बहुत गरीब हैं, उनको एक अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनकी हम मदद करेंगे, अभी भी करते हैं उनको, हमने ऐसा किया है कि बहुत अच्छे स्कूल में नहीं उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ कॉपी दे दी या फिर डॉट ऐसे सब उनकी हम हेल्प करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शिवानी जी आज अच्छा कमा रहे, मतलब आप महीने में कितना कमा लेती हैं? महीने में ठीक ठाक कमा ही लेते हैं, आप समझ रहे हो कि गाड़ी ले ली, घर ले ली, बना लिया, तो समझ लो कितना कमाते हैं। तो अच्छा अभी इस वक्त गांव में क्या माहौल है, मतलब लोग क्या बोलते हैं, अभी भी कुछ जलने वाले होंगे कि हाँ भाई कहाँ थी कहाँ निकल गई? हाँ, मुंह पर तो नहीं बोला, पीठ पीछे का हाथ में तो नहीं पता, पीछ पीछे दुनिया बोलती है, क्योंकि उनका तो वो काम ही होता है, जलने वाले जलते रहेंगे, शिवानी जी ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी, आज गाड़ी है घर है कल और कुछ होगा, कल चौपर भी आ सकता है, जहाज भी हो सकता है, ऐसा होगा क्या? जहाज पता नहीं भैया। तो काफी अच्छा लगा, और आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जो अच्छा जो नए यूट्यूबर जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, और इनकी स्टोरी आपने देखा कैसे गांव से, क्योंकि गांव के लड़के को लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे,
उनको बुरी नज़र से देखते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर हम लड़के अगर वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं क्या कर रहा है, ताने मारते हैं, तो फिर भी ये लड़की हैं। तो आप जो यहाँ पे लेडीज देख रही हैं काम करना चाहती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, अगर घर वाले मना करते हैं तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता है कि हमारी लड़की अच्छा काम कर रही है, फिर भी नहीं पता रहता, लोग भड़का देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेहनत करिए। तो अभी हम आपको सुनाने वाले हैं इनका फेमस डायलॉग जिससे ये वायरल हुई थी। मैम अपने अंदाज में आप अपना डायलॉग बोलेगी और इस वीडियो को आप ही एंड करेंगी। हाय फ्रेंड, ये वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लिया भैया तो को। देखा, ये था इनका तकिया कलाम बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज में, जो कि इनको वायरल कर दिया भैया। हेलो फ्रेंडा, तो बाय बाय फ्रेंडा, मिलते हैं एक और बाय। वीडियो में। और मैम से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो हाथ मेरे बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत देर से मोबाइल पकड़ा हूँ, तो इसके वजह से मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय।